हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्षर एकेडमी। मैं हूं गौरव पटेल। आज हम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन में यूज़ होने वाले डिफरेंट टाइप्स के ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड एसेसरीज के बारे में बात करेंगे। तो ये सीखने के मेन दो ऑब्जेक्टिव्स है, एक है डिफरेंट टाइप के ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट को पहचानना और दूसरा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन की डिफरेंट मेथड में उसका इस्तेमाल करना। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे टाइप्स के ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एसेसरीज मिलते हैं, लेकिन मैंने कुछ ऐसे 16 ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड एसेसरीज की लिस्ट बनाई है जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन में ज़्यादातर यूज़ होंगे। ऐसे ही कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है ड्राइंग बोर्ड, मिनी ड्राफ्टर, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर, रूलर, रोलर स्केल, इंजीनियरिंग कंपास, इंजीनियरिंग डिवाइडर, फ्रेंच कर्व्स, मैकेनिकल पेंसिल, नॉन डस्ट इरेजर और सिरबर, देन ड्राइंग क्लिप्स, देन ड्राइंग शीट्स, पेपर बॉक्स एंड स्टेंसिल। अब हम एक एक इंस्ट्रूमेंट को डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड जनरली वुडन का आता है और एज पर IS 1444 1989 उसको वेरियस डेजिग्नेशन में डिवाइड किया गया है। तो वैसे ही डेजिग्नेशन है B0, B1, B2, B3, B4। हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन में इम्पीरियल साइज का, मतलब के B2 साइज का जो साइज है 700x500 mm, वो यूज़ करेंगे। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? तो इसके ऊपर ड्राइंग शीट रखते हैं और उसको ड्राइंग क्लिप से फिट करते हैं और फिर वो शीट में हम ड्राइंग बनाते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर जो है वो टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, स्केल, प्रोटेक्टर एंड रोलर स्केल, वो सबका कंबाइंड फंक्शन सर्व करता है। यहाँ पे मैंने मिनी ड्राफ्टर जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए लिया है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है? तो ये जो पोर्शन है उसको हम ड्राइंग बोर्ड पे लगाएंगे और इसको स्क्रू को फिट करेंगे, और दूसरा जो ये रेक्टेंगल स्केल है उसका इस्तेमाल वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए, प्रोजेक्शन खींचने के लिए, और ये जो राउंड स्केल है वहाँ पे एंगल मेजरमेंट के लिए किया जाता है। अगर आप मिनी ड्राफ्टर यूज़ नहीं करते हो तो आपको टी स्क्वायर एंड सेट स्क्वायर यूज़ करना पड़ेगा। टी स्क्वायर जो है यहाँ पे बताया हुआ है वैसा मिलता है और उसका इस्तेमाल जो है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन खींचने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है सेट स्क्वायर। इंजीनियरिंग सेट स्क्वायर साइज में कंपैरेटिवली बड़े आते हैं। उसके दो टाइप्स है, एक है 45-45 और दूसरा है 30-60। जो 45-45 है वो आपको इस तरीका का मिल जाएगा एंड जो 30-60 है वो इस तरीके का मिलता है। 45-45 सेट स्क्वायर है उसके अंदर इनबिल्ट प्रोटेक्टर है वो आपको मिल जाएगा, एंड जो 30-60 सेट स्क्वायर है उसके अंदर फ्रेंच कर्व इनबिल्ट मिल जाते हैं। तो अगर आप ऐसे सेट स्क्वायर परचेस करते हो तो आपको दो इंस्ट्रूमेंट प्रोटेक्टर एंड फ्रेंच कर्व वो कम परचेज करने पड़ेंगे। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर जो है वो दो टाइप के आते हैं, एक है फुल प्रोटेक्टर जो कि आता है 360 डिग्री एंड दूसरा आता है हाफ प्रोटेक्टर जो आता है 180 डिग्री। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप सर्कल मास्टर यूज़ करो जो कि एक फुल प्रोटेक्टर टाइप होता है और उसके अंदर वेरियस टाइप के सर्कल होते हैं। सर्कल मास्टर जो है आपको मार्केट में इस टाइप का मिल जाएगा।
इसका बेनिफिट ये है कि ये प्रोटेक्टर का भी फंक्शन सर्व करता है और उसके अंदर जो होल बने हुए उसके ऊपर डायमेंशन लिखे होते हैं, तो आप डायरेक्टली उसको राउंड बनाने के यूज कर सकते हो। नेक्स्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है रूलर, जो दो टाइप के आते हैं, एक है 30 सेंटीमीटर रूलर और दूसरा है 15 सेंटीमीटर रूलर, जिसका इस्तेमाल जो है स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए किया जाता है। 50 सेंटीमीटर रूलर आपको इस तरीके का मिलेगा एंड 30 सेंटीमीटर रूलर आपको इस तरीके का मिलेगा। स्केल की तरह ही एक इंस्ट्रूमेंट है रोलर स्केल। रोलर स्केल है वो दो टाइप का आता है, एक है फुल रोलर स्केल मींस 30 सेंटीमीटर रोलर स्केल एंड हाफ रोलर स्केल मींस 15 सेंटीमीटर रोलर स्केल। रोलर स्केल है उसका इस्तेमाल पैरेलल लाइन खींचने के लिए किया जाता है। ये स्केल जो है वो रूलर का भी फंक्शन सर्व करता है, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप स्केल की जगह रोलर स्केल यूज करो। 15 सेंटीमीटर रोलर स्केल आपको इस तरीके का मिल जाएगा एंड 30 सेंटीमीटर रोलर स्केल आपको इस तरीके का मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है इंजीनियरिंग कंपास। इंजीनियरिंग कंपास होता है वो इस तरीके का मिलता है, जो कंपैरेटिवली एक्यूरेट ज़्यादा होता है और उसका इस्तेमाल जो है वो सर्कल बनाने के लिए या आर्क लगाने के लिए होता है। इंजीनियरिंग कंपास की तरह ही एक इंस्ट्रूमेंट है इंजीनियरिंग डिवाइडर, जिसका इस्तेमाल जो है वो डायमेंशन ट्रांसफर करने के लिए या फिर स्पेस को इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व दो टाइप के होते हैं, आर्म होल कर्व एंड सिंगल कर्व। आप अगर सिंगल कर्व लेते हो तो भी चलेगा, इसका इस्तेमाल जो है वो फ्री फॉर्म कर्व स्ट्रेच करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है मैकेनिकल पेंसिल, जिसको हम क्लच पेंसिल से भी जानते हैं। वो कुछ इस तरीके का होता है, जिसके अंदर वेरियस टाइप के लीड यूज होते हैं। लीड आपको इस तरीके के पैक में मिलता है, जिसको बेसिकली तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है हार्ड ग्रेड, देन मीडियम ग्रेड और तीसरा है सॉफ्ट ग्रेड। जो हार्ड ग्रेड्स है वो जनरली ग्राफिकल कंप्यूटेशन के लिए यूज होता है, जो सॉफ्ट ग्रेड्स है वो आर्टवर्क के लिए यूज होता है, वो ग्राफिक्स के लिए यूज नहीं होता है। और जो मीडियम ग्रेड्स है, जो है HB से लेके 6H तक, उसको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन के वेरियस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे जो H है उसका मतलब होता है हार्डनेस और जो B है उसका मतलब होता है ब्लैकनेस। द नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज नॉन डस्ट इरेजर, मतलब के रबर, जो कुछ इस तरीके का होता है और उसका इस्तेमाल हम लोग अनवांटेड लाइन को इरेज करने के लिए करते हैं। द नेक्स्ट वन इज ड्राइंग क्लिप्स, जो कुछ इस तरीके का आता है, जिसका इस्तेमाल है वो ड्राइंग पेपर को या ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पे फिक्स करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट एसेसरीज है ड्राइंग शीट और ड्राइंग पेपर, जिसके ऊपर हम ड्राइंग बनाते हैं। तो एज पर IS 696/1972 उसकी वेरियस साइज जो है वो अवेलेबल है, जो है A4, A3, A2, A1 एंड A0। हमारी जो कॉपी का साइज होता है वो होता है A4 साइज, जो कि होता है 297 to 210 mm। अगर हम उसको डबल करते हैं, मतलब के 420 to 297 mm, तो वो साइज हो जाती है A3 साइज, जो हमारी स्केचबुक की साइज होगी। अगर हम उसको डबल करते हैं, मतलब के 594 by 420 mm, तो वो हो जाती है A2 साइज, मतलब के हाफ इंपीरियर साइज, जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन में हम यूज करेंगे। और उसको अगर हम डबल करते हैं तो वो हो जाती है 841 by 594 mm, तो वो हो जाता है A1 साइज, जिसको हम बोलते हैं फुल इंपीरियर शीट। और अगर हम उसको डबल करते हैं
तो हो जाता है 1189 बाय 841 mm, जो ज़्यादातर इंडस्ट्री में यूज़ होता है और वो होता है हमारा A0 साइज़। नेक्स्ट एक्सेसरीज है पेपर बॉक्स और शीट कंटेनर, जिसका इस्तेमाल शीट को सेफ रखने के लिए, क्रीज से बचाने के लिए किया जाता है। एंड लास्ट एक्सेसरीज है स्टेंसिल, जो लेटरिंग पर्पस के लिए यूज होता है, और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन में हम लोग इस तरीके का स्टेंसिल जो है 4, 6 एंड 8 mm का स्टेंसिल वो ज़्यादातर यूज करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन में इस्तेमाल किए जाने वाले डिफरेंट टाइप के ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड एक्सेसरीज के बारे में जाना। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन के डिफरेंट टाइप के ड्राइंग स्टैंडर्ड के बारे में सीखेंगे।